गोपाल धाम गौशाला सेवा समिति की महिला शाखा की ओर से सेवा कार्य हेतु एकत्रित की गई 25,700 रुपए की राशि समिति को सुपुर्द की गई, जिसके लिए अपनी बात रखते हुए विजय पासी ने बताया कि गौशाला निष्पक्ष भाव से गौशाला की सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए वे दानी सज्जनों का धन्यवाद करते हैं। आज गोपाल धाम गौशाला वास्ते बड़ा खुशी का दिन है कि साड़ी इस्त्री विंग दी प्रेसिडेंट श्रीमती नीलम सैनी अपने सारे मैंबर्स दे नाल इत्थे आए हैं और इन्होंने सानू अज 25,712 रुपए की राशि दी। मैं गऊ सेवा समिति वालों इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इस समय समय से गऊ सेवा समिति नू सहयोग करते हैं और मैं परम पिता परमात्मा अगे यही बेनती करता है, गऊ माता अगे बेनती करता है कि इन्हों लंबी उम्र दें ते इसी प्रकार गौ माता की सेवा करते हैं। जय गौ माता की जय। गौ हमारी पूरी वुमेन विंग की जो लेडीज हैं आज उन्होंने गौ माता की सेवा के लिए गौ माता के चारे के लिए धनराशि दी है, तो मैं सभी शहर वासियों से अपील करती हूँ कि आप सभी भी गौ माता की तन मन धन से सेवा करिए और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अगर हम एक गौ माता की सेवा करते हैं इससे 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः मैं दोबारा ये प्रार्थना करती हूँ आप सभी आकर के गौ माता की सेवा करिए और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय गौ माता। जय। गोपाल धाम गौशाला में आज एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ प्रोग्राम किया जाता है, कीर्तन भी किया जाता है और हमारी महिला विंग ने मिलकर आज यहाँ पर कुछ दान भी दिया। मैं सभी शहरवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके गौ माता के लिए दान करें ताकि हमारा जो जीवन है सफल हो सके और हमें परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो सके।